राजस्थान बीजेपी की कद्दावर नेता वसुंधरा राजे कितनी रिचि रिच, कैसी राजशाही शानो शौकत है राजकुमारी वसुंधरा राजे सिंधिया की। वसुंधरा राजे राजस्थान में बीजेपी का वो कद्दावर चेहरा है जो राजनीति में लंबे तजुर्बे के साथ साथ बेहतरीन राजनीतिक समझ और कौशल भी रखती हैं। ये राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। वसुंधरा राजे राजस्थान की राजनीति में एक सदी हुई राजनेता की छवि रखती हैं और इन दिनों राजस्थान में अगले ही साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव की रणनीतियों को गांठने में मशगूल बताई जा रही हैं। राजस्थान बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में इनका नाम सबसे ऊपर बताया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि आलाकमान 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में वसुंधरा को ही चेहरा बना सकते हैं। वसुंधरा राजे राजस्थान की राजनीति में मंझी हुई खिलाड़ी हैं। ये मध्य प्रदेश के सिंधिया राजवंश से ताल्लुक रखती हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ भी हैं। इन दिनों वसुंधरा लगातार चर्चाओं में छाई हुई हैं। तो चलिए आज हम आपको इनकी अकूत संपत्तियों के बारे में बताते हैं। ये इतनी अमीर हैं और इतनी प्रॉपर्टीज की मालकिन हैं, ये देखकर आपकी आंखें भी चौंधिया जाएंगी। साल 2018 के राजस्थान की झालरा पाटन सीट से अपना नामांकन दाखिल करते समय इन्होंने अपनी संपत्तियों से संबंधित जो हलफनामा दाखिल किया था उसके मुताबिक वसुंधरा राजे के पास कुल 4,54,82,689 रुपए की चल अचल संपत्ति है, जिसमें से इनके पास 4,09,82,689 रुपए की चल संपत्ति है, जबकि इनके पास 45 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। वसुंधरा राजे के कैश और बैंक बैलेंस की बात करें तो 2018 में चुनावी नामांकन दाखिल करने तक इनके पास कुल 1,29,830 रुपए कैश था, जबकि बैंक अकाउंट्स में कुल 52,62,716 रुपए मौजूद थे। इस रकम में अब संभावित तौर से घटत या बढ़त भी हुई होगी। वसुंधरा राजे की सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो इन्होंने शेयर्स और बॉन्ड्स में कुल 1,55,30,651 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। 2018 में नामांकन भरने तक राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने NSS पोस्टल सेविंग सर्टिफिकेट्स में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, जबकि इनके पास अलग अलग कुल 29,40,437 रुपए की बीमा पॉलिसीज हैं। 2018 के हलफनामे के मुताबिक वसुंधरा राजे की ओर से अग्रिम राशि या व्यक्तिगत लोन के तौर पर 62,91,696 रुपए दिए गए थे। वहीं अगर वसुंधरा राजे की ज्वेलरीज की बात करें तो इनके नाम से कुल 1,08,74,417 रुपए मूल्य की ज्वेलरीज हैं। इसमें 3 किलो 179 ग्राम सोना शामिल है, जिसकी कीमत 1,02,45,917 रुपए बताई गई थी, जबकि इनके पास 15 किलो चांदी भी है जिसकी कीमत 6,28,500 रुपए बताई गई थी। वर्तमान में इसके मार्केट वैल्यू में बढ़त या घटत भी संभव है। वहीं अगर इनके वाहनों की बात करें तो 2018 के हलफनामे के मुताबिक वसुंधरा राजे के नाम से अपनी कोई गाड़ी नहीं है। वसुंधरा राजे की अचल संपत्तियों की बात करें तो इनके पास कोई खेतीहर भूमि नहीं है, जबकि इनके पास कोई गैर खेतीहर भूमि भी नहीं है। इनकी आवासीय इमारत की बात करें तो 2018 के हलफनामे में उन्होंने इसकी कुल कीमत 45 लाख रुपए बताई थी। इनके नाम से कोई कमर्शियल बिल्डिंग नहीं है। इनके लोन या देनदारियों की बात करें तो 2018 में नामांकन दाखिल करने तक इन पर कुल 5,33,730 रुपए की देनदारी थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।